यूपी के बुलंदशहर में 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा की बदहाली के चलते एक महिला रोगी को ठेले पर अस्पताल ले जाने और एम्बुलेंस को धक्का मारकर स्टार्ट करने का प्रयास करने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शनिवार का बताया जा रहा है। वीडियो के वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। ये तस्वीरें सरकार द्वारा चलाई जा रही 108 एम्बुलेंस सेवाओं की बदहाली की कहानी खुद बयां करती नजर आ रही है। दरअसल बुलंदशहर जनपद के खुर्जा में स्थित सूरजमल जाटिया राजकीय चिकित्सालय में खुर्जा के ही रहने वाली 7 साल की रामश्री की तबीयत अचानक खराब हो गई। रामश्री के परिजनों की माने तो उन्होंने 108 नंबर पर फोन कर सरकारी एम्बुलेंस सेवा लेनी चाहिए, मगर जब काफी देर हो गई और एम्बुलेंस नहीं पहुंची तो बेटा खुद माँ को एक ठेले पर लेटा कर खुर्जा के सरकारी अस्पताल लेकर जा पहुँचा। क्या नाम है आपका? मुकेश जी, ये धक्का प्लेट गाड़ी है, एम्बुलेंस है, क्या है पूरा? जी इसकी बैटरी खराब है, मेंटेनेंस आईडी लेकर चेंज कराने जा रहे हैं अलीगढ़ के। नहीं तो कहीं जैसे मरीज ले जा रही हो और उस टाइम खराब हो जाए? नहीं ऑफ रोड गाड़ी है इस टाइम में। हाँ ये गाड़ी भी ऑफ रोड है ना, ड्यूटी पे नहीं है। कब से ड्यूटी पे नहीं है? ये है कल से। तो कल से ही बैटरी खराब हुई है, उससे पहले भी तो परेशानी दिक्कत आ रही है। पहले हुई थी लेकिन अभी ये कते काम करना बंद कर दिया है, तो मैंने अधिकारियों को बोल दिया है। हाँ। तो उन्होंने कहा है कि गाड़ी मेंटेन गाड़ी पे ले जाइए और सही कराइए। लगे क्या नाम है आपका? बबली। कौन से मोहल्ले के निवासी? मदा दरवाजे के। ये ठेली पे मरीज लाए, क्या मामला है? ये बहुत देर से हो गई, हम बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं यार, यहाँ पर कोई सेवा नहीं मिल रही। किसका है जी? एम्बुलेंस को भी फोन किया, वो कोई चीज मदद नहीं मिली। डॉक्टर साहब से बात करी है कि साहब थोड़ी देर में मिलेगी, तो एम्बुलेंस नहीं आई। नहीं आई तो फिर मजबूरी में ही ठेली में लाना पड़ा। आश्चर्यजनक बात यह है कि खुर्जा में तैनात ये धक्का परेड एम्बुलेंस तो मरीज की मौत का सबब बन सकती है, लेकिन एम्बुलेंस चालक का दावा है कि बैटरी खराब होने के कारण वो कल से छुट्टी पर है और एम्बुलेंस खराबी की जानकारी उच्च अधिकारियों को कल ही दे दी थी। ये धक्का परेड एम्बुलेंस भले ही मरीज की मौत का सबब बन जाए, मगर सीएमएस साहब का रटा रटाया जवाब कि 108 एम्बुलेंस सेवा लखनऊ से संचालित होती है, अगर कोई खराबी है तो सीएमओ को अवगत कराकर जल्द दुरुस्त कराई जाएगी। अब बड़ा सवाल यह है कि सरकार की 108 नंबर की एम्बुलेंस सेवा का आखिर जरूरतमंदों को लाभ कैसे मिलेगा। खैर अब देखना यह होगा कि सरकार ऐसे लापरवाह स्वास्थ्य विभाग के सिस्टम के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करती है। सर महिला को ट्रॉली पे लाया गया हॉस्पिटल, क्या मामला है ये? ट्रॉली पे लाने का मामला है, जो ये अस्पताल के पीछे मंदिर है उस गेट से ये लेके आए हैं मरीज को। यदि अस्पताल के सामने से लाए होते तो वहाँ स्ट्रेचर आदि सभी की सुविधा है। और एक चीज़ और संज्ञान में आई है कि एम्बुलेंस में धक्का लगाना पड़ रहा है। यहाँ जो एम्बुलेंस है वो 108 नंबर है, वो लखनऊ से संचालित होती है, और उसमें कोई ख़राबी है तो मैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी बुलंद सर महोदय को अवगत कराऊँगा, यहाँ एम्बुलेंस सही हालत में रहे ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो। अपने हॉस्पिटल की एम्बुलेंस भी काफ़ी समय से ख़राब है। हमारे एम्बुलेंस जो पुरानी थी वो कंडम हो चुकी है, नई एम्बुलेंस की हमारी डिमांड लगी हुई है, और जैसे ही डिमांड हमारी पूरी होती है हम एम्बुलेंस मंगाएंगे।